हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद सब लोग अच्छे होगा। दोस्तों एक बार फिर से आ चुके अपने यूट्यूब चैनल AR ब्लॉग इंडिया में, तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को बताया था हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। तो आज लॉन्ग वीडियो आई है, फिर से हम आ चुके हैं उन्हीं जंगलों के आसपास जहाँ पे नील गाय की वीडियो शूट करते थे। तो देखिए पीछे जंगल है और ये गेहूं की फसल है, चारों तरह से बैरिगेटिंग हो रखी है और नील गाय इन्हीं खेतों में गेहूँ खाने के लिए आती है, यानी गेहूँ की फसल को खाने के लिए आती है। और आप लोगों को दिखाएंगे, पीछे जंगल है, जंगल में नील गाय वहाँ पे है अभी, और उनको शूट करेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों एक फिर से बताना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये इधर से उधर चलने लगे हैं, और जैसे कि हम लोग करीब आए, पहाड़ पास में आए तो भागना शुरू कर दिए। ये सब यहीं पर बैठे हुए थे, काफ़ी तादाद में लोग ग्रुप है और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किया करते हैं और नील गाय और वन्य जीव से संबंधित होती हैं हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड होती है। दोस्तों ये हमारी तरफ देख रहे हैं, देखिए किस तरह से खड़े होकर देख रहे हैं, और कितने आप लोग गिन सकते हैं कैमरे में, इतने सारे नील गाय हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। दोस्तों ये वन में रहने वाले है, एक प्राणी है जो कि किसी के ऊपर खतरा नहीं होते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। तो देखिए किस तरह से आगे बढ़े चले जा रहे हैं और काफी सुंदर लगते हैं, काफी खूबसूरत वीडियो है दोस्तों। और देखिए किस तरह से आगे बढ़े चले जा रहे हैं, अभी सरसों के खेत में जाए किस तरह से मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज धूप काफी तेज है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, और ये यहाँ से भी छांव में बैठे थे जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहीं पे ये थे, और ये उधर छांव है, चिलवल के पेड़ है, वहाँ पे जाके चले जाएंगे। देख किस तरह से एक दूसरे के साथ खेलिया कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफी बड़ा झुंड तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक दमदार झुंड कह सकते हैं, क्योंकि झुंड में कई सारे नर है, केवल नर है, मादाओं का आता पता नहीं है कि हद किधर जा चुकी है। और तो देखिए दोस्तों किस तरह से भागना शुरू कर दिए, काफी तेज भागते हैं, इनकी रनिंग बहुत ही फास्ट होती है, और ये देखिए काफी तेज भाग रहे हैं। और ये कहाँ जाके रुकेंगे मुझे खुद नहीं, एक पीछे सबसे पीछे एक है बहुत ही ताकतवर है, इसको देखिएगा, इसकी स्पीड देखिएगा क्या स्पीड है दोस्तों। वहां पे जाकर रुक गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। और दोस्तों ये जब भी चलते हैं एक लाइन से चलते हैं, एक कोई जो भी ग्रुप का मेंबर है वो आगे चलेगा, फिर उनके पीछे पीछे सारी लाइन चलेगी। तो देखिएगा किस तरह से खड़े होकर हमको देख रहे हैं। दोस्तों अभी यहीं पे बैठेंगे, इस ग्रुप का इंतजार करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा ग्रुप है, आपको जैसे पता है इस ग्रुप में करीब सबसे ज्यादा नील गाय है। इंतजार करेंगे, यहीं पे बैठेंगे, इनका इंतजार करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि काफी बड़ा जंगल है, काफी दूर तक है, तो पूरे जंगल की वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, और उनका इंतजार करके यही बैठेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी है। और अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कितने जानवर और आते हैं यहाँ पर। लोग देख सकते हैं वो दूर भाग के काफी दूर खड़े हो चुके हैं, और देख किस तरह से कुछ हमारी तरफ देख रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तरह उस तरफ कुछ इंसान है, वहाँ पर कुछ इंसान दिख गए, उनको देख रहे हैं खड़े होकर। और ये देखिए कुछ आगे आगे चलने लगे, कुछ पीछे चल रहे उनके। दोस्तों जब भी चलते हैं ग्रुप में चलते हैं और एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करके चलते हैं, देखिए एक जो नर होगा वो आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे दूसरा जो ग्रुप के मेंबर होंगे वो चलेंगे। सबसे लास्ट में जो होती हैं वो ज़्यादातर मादाएँ चलती हैं और बच्चे बीच में होते हैं। तो दोस्तों यही इनका जो तरीका है जंगल में रहने का, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो ये काफ़ी दूर हमसे खड़े जा चुके हैं, देखिएगा अभी आप लोगों को दिखाते हैं कितने दूर है हमसे ये रहे। तो देखिएगा उधर एक जंगल है, वहाँ पर जाके चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो काफी पसंद आती है तो अच्छा लगता है वीडियो, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इनकी स्पीड देखिए काफी तेज स्पीड में, जैसे इनके थोड़ा करीब गए तो काफी तेज भागना शुरू कर दिए थे, किस तरह से भाग रहे हैं। और इनकी स्पीड देखिएगा, ये घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। पता होगा ये जो नील गाय होती है ये जंगलों में और खेतों के आसपास ज्यादातर पाई जाती है, और ये इंसानों से दूर रहने की कोशिश करती है, और इंसान इनके लिए खतरा नहीं है, ये भी इंसान के लिए खतरा है, कि कभी कभी ऐसा होता है इंसान कुछ लालच बस इसको मार देता है, क्योंकि इनकी खाल भी कऊ होती है और इनका मांस भी कऊ होता है, तो बेचने के लिए। पर ये इंसानों का कोई कुछ
बिगाड़ती नहीं है, यानी कि ना हमला करती है ना उन इंसानों से कभी लड़ती है ना उनका हमला सामना करती है। ये चुपचाप जंगलों के आसपास रहती हैं और ये खेतों में उगी हुई फसल और जंगल में उगी हुई घास ही खाती है और शुद्ध शाकाहारी जानवर यही होता है जो जंगलों में पाया जाता है। बाकी सारा मैंने देखा है सारे जानवर मांसाहारी होते हैं, सारे मांस खाते हैं, पर एक यही खूबसूरत जानवर है जो कि मांस नहीं खाता है। ये जंगलों में जो बेखौफ घूमते रहते हैं, इन्हें किसी से कोई खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, बस ये सब इंसानों से ही डरते हैं। और देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं देखने में, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, और ये बहुत ही मतलब डरावने भी होते, मतलब डर इंसान के करीब आता है तो भागना शुरू कर देते। देखिए किस तरह से, अभी थोड़ा दो कदम निकाले ही थे आगे हम बढ़ने के लिए तो ये भागना शुरू कर दिए। देख किस तरह से ये इधर घूम घूम के चले आएंगे और ये कहीं ना कहीं इधर कोई जंगल पड़ता है उधर भाग जाएंगे। तो देखिए काफ़ी तेज़ भागते हैं दोस्तों, ये इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, ये घोड़े की तरह दिखते हैं। और दोस्तों जैसे आप लोग सोचते हो कि गाय है, दोस्तों गाय नहीं है, नील जंगल में रहने वाले एक तरफ से पशु हैं और काफ़ी तेज़ इनकी तेज़ घोड़े की जैसे रफ्तार होती है, काफ़ी तेज़ भागते हैं। देखिएगा कितने तेज़ रफ्तार से ये सब भागते हैं और ये देखिएगा कुछ वहाँ पर जाकर रुक गए हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमको एक पंछी दिख चुका है जिसको हमारे यहाँ टिटहरी बोलते हैं। देखिए काफ़ी शांत से बैठे हुए, ज़्यादा दूर हमसे नहीं है, बिल्कुल पास में है तो बिल्कुल शांत है। और इसके धीरे धीरे करीब चलते हैं हम, देखते हैं उड़ता कि नहीं उड़ता। और ये भी धीरे धीरे मेड़ी की तरफ बढ़ने लगा है, ये उड़ गया है, ये जा रहा है, ये वो जा रहा है, ये वहाँ पे जाके बैठ गया। काफ़ी खूबसूरत पंछी होता है। तो आगे चलते हैं नील गाय। तो देखिए कितने सारे नील गाय हैं, इसमें दो इधर खड़े हुए हैं और एक दो इस साइड में है, दो चार इस साइड में और एक ये खड़ा हुआ है। आओ आओ चलो आओ चलो और सुन, ये दौड़ के जाओ खेत 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 के दौड़ के भगा के खड़ो खेत के भगा के ये इसी से यही से भाग गए। तो दोस्तों कुछ नील गाय इधर बैठी हुई हैं, वही ग्रुप है जो अभी टहल रहा था, हम भी थक गए थे टहलते टहलते इनके पीछे पीछे घूम, तो अभी इनको खड़ा करते हैं फिर से, इनको दौड़ाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हम ज़बरदस्त वीडियो बना के। ये देखिए भागना शुरू कर दिए, ये देख किस तरह से भाग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनका ग्रुप है, देखिए काफ़ी तेज़ भाग रही हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से भाग रही हैं, ये काफ़ी मस्ती के साथ भागती हुई आगे बढ़ गई। दोस्तों हम रुक गए हैं वरना इनके पीछा करते, वो काफ़ी टाइम से दोस्तों चल रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, थक चुके हैं, सांसें भी हमारी तेज़ हो रखी है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। शाम के 5:30 से ऊपर हो चुका है, हम घर के लिए निकलेंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छंग मंगू है, इनको घर भी सुरक्षित पहुँचाना है। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।